करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां चुनावी मौसम और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने INH 24/7 के खास कार्यक्रम चुनावी संवाद में प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के तीखे सवालों के जवाब दिए। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा तो सीएम ने यह भी कहा कि पिछली भाजपा सरकार में मोबाइल, चप्पल, टिफिन मुफ्त में बांटने जैसे काम हुए जिनमें कमीशनखोरी चलती रही, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सीधे लोगों के खातों में पैसे डाले जिससे भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं हुई। अब इस विशेष कार्यक्रम को आप आज सोमवार रात 8 बजे देख सकते हैं। पूरी तौर पर जो है अराजकता रही, भ्रष्टाचार रहा, गंभीर किस्म के आरोप रहे, केंद्रीय एजेंसियों को अपने ठिकाने यही बनाने पड़ गए क्योंकि इतना ज्यादा करप्शन हुआ है कि कहां कहां जाएं, गली मोहल्ले में। बात देखिए, पिछले सरकार को भी आपने देखा जी। तो उसकी योजनाएं क्या होती थी कि टिफिन बांटो जी, चप्पल चरण पादुका बांटो, फिर मोबाइल बांटो, राशन कार्ड बनाओ, राशन कार्ड काटो, यही चलता रहा। हमारी सरकार में इस प्रकार से काम नहीं हुए। सीधा बटन दबाओ, उसके खाते में पैसा। यदि गौपालक है, गोबर बेच रहे हैं, पैसा उसके खाते में। वर्मी कंपोस्ट बना रहे, उसके खाते में पैसा। लघु अनुपज संग्रह, उसके खाते में पैसा। किसान है, उसके खाते में पैसा। बेरोजगार है, उसके खाते में पैसा। उसको कार्यालय के चक्कर काटने नहीं पड़ रहे हैं, सीधा पैसा। 1,75,000 करोड़ रुपया आम जनता के खाते में पैसा गया। भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं।